गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो मैं बहुत दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और बहुत दिनों बाद चेक इन कर रही हूँ। एंड इससे पहले एक वीडियो मैंने पोस्ट की हुई है वो कल या परसों, जो कि है बिग बाज़ार का ब्लॉग। वो मैं मतलब बहुत पहले आप शूट कर ली थी और एडिट करके रखी थी, दैट्स वाई मैं सोची कि वो वाला अपलोड कर दूँ। बहुत दिन हो गया मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब है, फीवर हो गया है, ऊपर से कोल्ड और थ्रोट पेन भी कर रहा है। आप लोगों को मेरा टोनल क्वालिटी लाइक वॉइस से पता चल ही रहा होगा, तो इसीलिए मैं वीडियो जो है शूट नहीं कर पा रही हूँ। और ऊपर से मेरा 18 तारीख से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है और 28 से मेरा थ्योरी एग्ज़ाम भी है, तो पढ़ाई का प्रेशर भी है। बट मैं क्लासेस भी अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। फ़िलहाल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, बट 2-3 दिनों से तबीयत इतना ख़राब है कि मैं खाली बेड रेस्ट पर थी, लाइक फ़ोन वोन कुछ भी छू भी नहीं रही थी। आज थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत सारे मेडिसिन दिए हैं डॉक्टर ने, और वो मेडिसिन वगैरह खाने के मतलब ऐसे तो अच्छा नहीं लगता है मेडिसिन खाना मेरे को उतना, बट खाना पड़ेगा कैसे भी करके क्योंकि तबीयत ख़राब है और जल्दी ठीक भी होना है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर मेरे घर वालों का तबीयत ख़राब हो जाए। आप लोगों को तो मेरा शक्ल देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं बहुत लाइक बहुत ही डल दिख रही हूँ, और फीवर वीवर हो गया है तो और भी बहुत ही ख़राब दिख रही होंगी, आई नो। बट क्या करें गाइस, तबीयत ख़राब हो गया और बहुत ही अचानक से, लाइक आजकल का जो क्लाइमेट जैसे चेंज हो रहा है ना, लाइक बहुत ही अचानक से जो तबीयत मेरा जो ख़राब हो गया है, और कैसे क्या लाइक मुझे कुछ पता नहीं था। हाँ, मैं कुछ दिनों पहले स्मूथ पी थी लाइक, बट उसके वजह से तबीयत ऐसा कुछ ख़राब होगा मुझे पता नहीं था। बट इससे पहले पापा का तबीयत ख़राब था एंड इसके बाद मेरा तबीयत ख़राब हुआ है, और मैं नहीं चाहती कि मम्मी का तबीयत भी ख़राब हो जाए, इसीलिए मेरे को जल्दी से जल्दी ठीक होना पड़ेगा। और मुझे लगा था लाइक सर्दी वर्दी हो गया है, तो मुझे लगा था लाइक मुझे कोविड तो नहीं हो गया। इस देख ही सकते हो कितने सारे मेडिसिन ने डॉक्टर ने दिया है, और इसको खा के जल्दी से कोर्स जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो तबीयत जो है ठीक नहीं होगा। और मुझे ये मेडिसिन वगैरह देख के ना चक्कर आ रहा है, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा है बट फिर भी खाना पड़ेगा। गाइस, मैं थोड़ा रेस्ट करने वाली हूँ अभी, और अभी बज रहा है 2:30, और मैं अपना लंच भी कर ली हूँ और अभी मैं मेडिसिन खाऊँगी। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि कितना सारा मेडिसिन है एंड वो मुझे खा के कंटिन्यू करना है एंड ख़त्म भी करना है बहुत जल्दी, नहीं तो ठीक कैसे होंगी। और बस आपको बस यही कहना है कि आप लोग भी सेफ़ रहो एंड अपने आप को मतलब फीवर होने से मतलब पहले से ही प्रिकॉशंस ले लो। गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। एक्चुअली कल मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, तो मैं और ब्लॉग शूट नहीं कर पाई और मैं पूरा दिन कल रेस्ट की थी। सो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, और अभी फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं है मुझे, और अभी बस सर्दी है और थोड़ा मेरा वॉइस जो है वो थोड़ा चेंजेस आपको नज़र में आ रहा होगा, बट वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। होपफुली मेरे को कोविड नहीं है, जो इसका मुझे डर था, मैंने टेस्ट वेस्ट करवाया, कोविड वगैरह मुझे कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही वायरल फीवर था। सो आज है ट्यूसडे और पापा आज मेरे लिए सैंडविच बनाए हैं, क्योंकि फीवर में ना कुछ ऐसा कुछ भी खाऊँ ना अब तो वो मतलब मुंह का टेस्ट ही पूरा बिगड़ गया है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए पापा सैंडविच बना रहे हैं, आलू पट्टी वाला सैंडविच। और मेरे को चीज़ वाला पसंद है, क्योंकि मुझे हर चीज़ मतलब मैगी सैंडविच बर्गर हर चीज़ में, मेरे को पिज़्ज़ा हर चीज़ में, मेरे को मतलब चीज़ मेरे को बहुत पसंद है, मेरे घर वालों को चीज़ पसंद नहीं है। तो पापा गए हैं चीज़ लाने के लिए और एक ठो ब्रेड लाने के लिए, क्योंकि जितना पापा बनाए हैं उतना मैं मेरी कज़न मेरी मम्मी मेरे पापा सब हम लोग खा जाएंगे, तो बचेगा नहीं इसीलिए। सो गाइस, यू देख सकते हो यहाँ पे जो सैंडविच की तैयारी हो रही है, इसको बस सेकना है आपको। इसमें कुछ ही देर पहले सो के उठी हूँ, इसीलिए मेरा फेस ना थोड़ा स्वेलन हो गया होगा, आई नो। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ एंड ऐसे ही जैसे हमेशा पहले जैसे मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड किया करती थी वैसे करूँ, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड
पास में जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर देना ताकि आपको मेरे आने वाले फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय गाइस, स्टे ट्यून, स्टे होम एंड